नंबर 17। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं आपका टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। We now know how to add, subtract, multiply and divide using very big numbers. But so far, we have been doing only one of these four operations in one problem. For example, addition or multiplication. Okay, students, हम different operations को use करते हैं, जिसमें operations से मुराद, maths में operations से मुराद addition, subtraction, multiplication and division है। रिसेंटली अभी हमने जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं, उनमें भी हमने इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन की या फिर डिवीजन की। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको एक ही प्रॉब्लम में, या यूं कहें कि एक ही क्वेश्चन में टू या वन से ज़्यादा ऑपरेशंस दे दिए जाते हैं और आपने सॉल्व करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वन और टू ऑपरेशंस दे दिए जाएं, टू और मोर ऑपरेशंस दे दिए जाएं, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं आपके बुक में ये एग्जांपल दी गई है, 9 - 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू विच नंबर। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तमाम ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। आपने बताना है कि आपका आंसर किसके इक्वल आएगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को 3 डिफरेंट वेज में किया गया है। फर्स्ट वे में देखें तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन है, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट में एडिशन है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 3। उसके बाद सेकंड मेथड से किया है जिसमें पहले एडिशन है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, लास्ट में सबट्रैक्शन है, तो आंसर आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और जो लास्ट थर्ड मेथड है उसमें आप देखें तो पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन सबट्रैक्शन, देन एडिशन, आंसर इज 6। सो स्टूडेंट्स, यहाँ 3 डिफरेंट वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और आपके पास 3 डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ऑपरेशंस का एक ऑर्डर बना दिया गया, ऑपरेशंस का एक तरतीब बना दी गई, ताकि आप उस मेथड से जब आप क्वेश्चन करें तो आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसी मेथड से करेंगे और आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में जो ऑपरेशंस का ऑर्डर बनाया गया वो कुछ इस तरह सा था कि उसको नाम दिया गया डिमैस का। डिमैस मीन्स डिवीजन फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन सेकंड, एडिशन थर्ड, सब्ट्रैक्शन लास्ट। मतलब आपको क्वेश्चन में अगर 4 ऑपरेशंस दे दिए जाएं तो बेशक आपकी डिवीजन लास्ट में आ रही है, लेकिन आप उसे पहले करोगे। सबसे पहले आप डिवीजन करोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, देन आप एडिशन करोगे और लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन करोगे। एक और चीज़, एक और रूल आपको दिया गया है इस पेज पर, बोर्ड मैथ रूल। बोर्ड मैथ्स रूल में क्या है, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आदिल इज अरेंजिंग डिलीशियस केक्स ऑन प्लेट्स फॉर अ पार्टी। ही डिसाइड्स टू यूज 4 प्लेट्स एंड टू पुट 2 केक्स ऑन ईच। हिज सिस्टर सारा सेज ही शुड पुट एन एक्स्ट्रा केक, सो 2+1 ऑन ईच प्लेट। आदिल गो डस सो, प्लेट्स 4, केक्स 2+1। हाउ मेनी केक्स हैज आदिल यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में ये बताया गया है कि आदिल ने अपनी पार्टी के लिए केक्स जो हैं वो प्लेट्स में अरेंज करने हैं, और उसने ये फैसला किया कि वो 4 प्लेट्स यूज़ करेगा और हर प्लेट में 2 केक्स रखेगा। उसकी सिस्टर ने कहा कि हमें एक एक्स्ट्रा केक भी रखना चाहिए, सो हर प्लेट पर उसने एक एक्स्ट्रा केक रख दिया। सो आदिल ने किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब उसने प्लेट्स कितनी यूज़ की, 4, और केक्स कितने हैं, 2+1। अब आपने बताना ये है कि टोटल कितने केक्स होंगे, 4 प्लेट्स में टोटल कितने केक्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से आपने जो है वो इक्वेशन बना दी, 4 × 2+1। 4 जो है वो आपकी प्लेट्स हैं और 2+1 मीन्स 2 वो केक्स जो आदिल ने रखे और उसकी सिस्टर ने एक केक ऐड किया विच इज 1। सो पहले अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में क्या हो रहा है, एडिशन, 2+1 = 3। आफ्टर एडिशन, आफ्टर सॉल्विंग द ब्रैकेट, जो आंसर आएगा उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 × 3 = 12।
12 केक्स ऑल टुगेदर. इट मींस टोटल कितने केक्स हुए? 12 केक्स. नाउ पेन कम टू पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 में फिर ये कहा गया है कि अगर जो प्लेट्स और केक्स की जो तरतीब है, जो ऑर्डर है, कुछ इस तरह से कर दिया जाता तो आपके पास आंसर क्या आता? 9. ठीक है, विच इज़ रॉन्ग. सो आपने एक ग्रुप बना दिया केक्स का और प्लेट्स का. ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस पेज पर, वो है आपके ये टेबल नोट का. ब्रैकेट्स यूज्ड इन मैथ्स, कौन कौन सी ब्रैकेट्स यूज होती हैं मैथ्स में? वैसे तो और भी बहुत सी ब्रैकेट्स हैं, लेकिन जो बेसिक ब्रैकेट्स हैं जो आपके लेवल के आपने याद रखनी है, वो कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड पैरेंथेसिस, द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट्स, एंड द लास्ट इज़ कॉल्ड बॉक्स ब्रैकेट्स. सो इस टेबल को आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए प्रिपेयर करना है. ये MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में आ सकता है. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू दिस टेबल. ब्रैकेट्स हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टू और मोर ऑपरेशंस बाय टेलिंग अस व्हिच पार्ट ऑफ द सिंप्लीफिकेशन टू डू फर्स्ट बाय ग्रुपिंग सम नंबर्स टुगेदर. देयरफॉर ब्रैकेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रुपिंग सिंबल्स. वह स्टूडेंट्स यहाँ बेनिफिट बताया हुआ है ब्रैकेट्स का. ब्रैकेट्स किस तरीके से हमें हेल्प आउट करते हैं? सो स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स हमें दो या दो से ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चन में ऑपरेशन इन्वॉल्व हों तो उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, और आपको ये बताते हैं कि पहले आपने कौन सा ऑपरेशन करना है या पहले आपने किस तरीके से आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है. इसी वजह से ब्रैकेट्स को ग्रुपिंग सिंबल्स भी कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब इस पेज पे जो आपको दो एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको आपने अपनी रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर पर नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है. नाउ कम टू पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 में ये जो टेबल दिया गया है ये आपने करना है, और इस टेबल में आपको 3 डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, और आपने ब्रैकेट्स को सही तरीके से पुट करना है कि आपके जो दूसरी साइड पर आंसर है वो आपका आफ्टर पुटिंग द ब्रैकेट्स आपका वही आंसर आ जाए. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट एग्जांपल है आपकी, वो है द फर्स्ट एग्जांपल इज 2 × 2 − 2 = 0. अब आपने इस क्वेश्चन में इस तरह से ब्रैकेट्स लगानी है कि आपका आंसर इस साइड को सॉल्व जब आप करें तो आपका आंसर 0 के इक्वल आए. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम इनकी ब्रैकेट इनको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं 2 × 2 × 2, उसके बाद 2 − 2 को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं. ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं 2 × 2 = 4. मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ आ जाएगा. 2 − 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 0. 2 में से 2 को माइनस करें तो 0 आंसर आता है. सो जब 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 0. इट मीन्स कि आपकी ये दोनों साइड जो हैं वो क्या हो गई हैं? इक्वल. सो आपने ब्रैकेट्स को यहाँ इस तरीके से पुट करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं आपके 2 / 2 को अगर हम ब्रैकेट में पुट करते हैं तो अब आप इसको सॉल्व करें 2 + 2 / 2 से होगा तो आपको 1 आंसर देगा, और +2 आपने एज इट इज़ लिख लिया = 5. अब आप इनको सॉल्व करें 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5. सो बोथ साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स कि आपने इस तरीके से ब्रैकेट्स को पुट किया. उसके बाद जो लास्ट है उसमें आप देखें तो 18 − 6 को हम ब्रैकेट में पुट करेंगे, और अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं. हमेशा क्वेश्चन में ब्रैकेट्स को आपने पहले सॉल्व करना है, बेशक ब्रैकेट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन ब्रैकेट्स हमेशा पहले सॉल्व होंगी, उसके बाद डिविजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन. सो 18 − 6 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 12 / 3 एज इट इज इक्वल्स टू 4. सो जब हमने 12 को 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 4. इट मीन्स 4 = 4. बोथ साइड्स आर इक्वल. सो आपने ब्रैकेट्स को करेक्ट स्पेस पे पुट कर दिया. सो इस तरीके से आपने इस टेबल को करना है. ओके स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर पेज नंबर 20 ऑफ काउंटडाउन. पेज नंबर 20 पर आपकी एक्सरसाइज है 1D. एक्सरसाइज 1D में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम क्वेश्चंस आपके बोर्ड मैथ्स और डीमैथ्स रूल से रिलेटेड हैं. सो आपने इन दोनों रूल्स को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं.
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आपको कंप्लीट करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों में से मैं 2-2 पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करोगे उसी मेथड से जिस मेथड से मैं करवाऊंगी। कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड भी कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने सॉल्व करके जो आंसर आता है उस आंसर को आपने ब्लैंक में नोट करना है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, 5 × (9-2). सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हमने सॉल्व करना है ब्रैकेट्स को, जैसा कि बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इज इक्वल्स टू का साइन पुट करेंगे, उसके बाद 5, जिन डिजिट्स को सॉल्व कर रहे हो उनको सॉल्व करोगे और जो सॉल्व नहीं कर रहे उनको एज इट इज़ लिखोगे। जिस तरह 5 अभी सॉल्व नहीं हो रहा तो 5 मल्टीप्लाई का साइन, देन आपने इन दोनों को सॉल्व किया, 9-2 आपको क्या आंसर देगा, 7। सो आपने 7 यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि अब आपके ये दोनों नंबर्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं, सो 5 × 7 का क्या आता है, 35। सो द आंसर इज 35। 35 को आप ब्लैंक 1 में लिखें, 3 and 5 इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड पार्ट क्या है, 3 + 1 × 9। सो स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, तो 3 + 1 आपको क्या आंसर देगा, 4, उसके बाद मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा और 9 भी उसी तरीके से आप नीचे लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं, 4 × 9 = 36। सो द आंसर इज 36। 36 जो है वो आप बी ऑप्शन में, बी पार्ट में पुट कर दें, 36। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट सी में क्या है कि अगेन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, इज इक्वल्स टू 4 − 2 = 2 मल्टीप्लाई बाय 4, नेक्स्ट 2 × 4 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। सो पार्ट सी में आप क्या मेंशन करेंगे, 8। द नेक्स्ट डी पार्ट इज 9 + 4। अब आप यहां देख सकते हैं आपकी कोई भी ब्रैकेट जो है वो यूज नहीं हो रही। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन यहां नहीं दी गई तो आप करेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई किसको किससे करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक माइनस तक हम वैसे एज इट इज लिखेंगे जो के नंबर्स दिए गए हैं, 9 + 4 − माइनस करने के बाद 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आंसर दे रहा है आपको। उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों में से पहले कौन सा करते हैं, एडिशन। सो एडिशन आप करोगे, 9 + 4 तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, 13। −6 एज इट इज लिख दिया, अब लास्ट 13 − 6 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 7। सो ऑप्शन डी में आप क्या लिखेंगे, 7। नाउ पार्ट ई इज 6 + 7 × 5। अब यहां आप देख सकते हैं एडिशन है और मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों में से पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन। 6 + एज इट इज लिखेंगे, 7 × 5 = 35। इसके बाद 35 में 6 ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 41। सो आप ई पार्ट में क्या लिखेंगे, 41। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने उनको सॉल्व करके डिसाइड करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर तो करेक्ट है तो आपने टी पुट करना है, अगर इनकरेक्ट होगी तो आपने एफ पुट करना है। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 4 + 6 / 5 × 7 = 35। अब इस साइड को आपने सॉल्व करना है, अगर वो 35 के इक्वल आ जाती है तो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, और अगर अनइक्वल आता है आंसर तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी। सो स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो 4 +
सिक्स इक्वल्स टू टेन, डिवाइड का साइन एज इट इज आ जाएगा, फिर देन फाइव देन सेवन इज इक्वल्स टू 35, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन पहले करेंगे तो 5 को 2 के 10 के साथ डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 35, 2 7 जा 14, 14 इज इक्वल्स टू 35। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स अनइक्वल हैं, इज नॉट इक्वल्स, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप यहां पुट करेंगे F, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में आप देख सकते हैं 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 6। तो अब आप क्या सॉल्व, इसको पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 को सॉल्व करेंगे, बाकी नंबर्स आपके एज इट इज, 2 4 जा 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 6। अब आप देख सकते हैं 6 प्लस 8, अब एडिशन पहले करनी है देन सब्ट्रैक्शन, 6 प्लस 8 आपको क्या आंसर दे रहा है, 14 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 6। सो 14 माइनस 8 इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 6, बोथ साइड्स आर इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां पर आपने क्या पुट करना है, टी। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट सी आप देख सकते हैं ये है आपके पास 35 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 29। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, 35 माइनस 4 के टेबल में 24 कब आता है, 4 6 आर 24 इज इक्वल्स टू 29। सो 35 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 29। सो बोथ साइड्स आर इक्वल, सो स्टेट सी पार्ट इज आल्सो ट्रू, सो पुट टी इन फ्रंट ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट डी में क्या कह रहे हैं वो आपको, 12 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5। सो स्टूडेंट्स ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 5। इसके बाद आप क्या सॉल्व करोगे, डिवीजन करोगे, इसके बाद 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू 5, 15 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा, 30 इज इक्वल्स टू 5। सो बोथ साइड्स आर अनइक्वल, नॉट इक्वल, सो ऑप्शन डी इज इनकोरेक्ट, पार्ट डी इज इनकोरेक्ट, पुट एफ इन फ्रंट ऑफ दिस। नाउ कम टू पार्ट ई विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 79। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले, 7 3 जा 21 प्लस 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 79। अब आप क्या करेंगे एडिशन, 21 प्लस 9 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 79, 30 माइनस 5 इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू 79। बोथ साइड्स आर अनइक्वल, सो ऑप्शन ई इज आल्सो इनकोरेक्ट, सो पुट एफ इन फ्रंट ऑफ ई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब इस क्वेश्चन में आपको हर स्टेटमेंट के साथ 4 डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं, आपने स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। जो आंसर करेक्ट होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 प्लस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि आप पहले किसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 6 प्लस 9 माइनस 3 टू जा 6, उसके बाद आप एडिशन करोगे, सो 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6। अब आप 15 में से 6 को माइनस करोगे तो आपको क्या आंसर आए, आपके पास क्या आंसर आएगा, 9। सो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से 9 को सिलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट बी में क्या कहा गया है आपको, 13 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने क्या करना है, डिवीजन पहले करनी है, बाकी नंबर्स को एज इट इज लिख लें, 13 प्लस 12 मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 4 जा 16, सो 4 लिख दिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, सो 13
प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 48। अब आपने 13 और 48 को ऐड करना है, तो यहाँ आप साइड पर ऐड भी कर लें, 13 एंड 48 ऐड होंगे, 8 9 10 11 1 1 कैरी 4 5 6 61। सो द आंसर इज 61। अब आपने इस ऑप्शन सेकेंड पार्ट का जो बी पार्ट है उसमें से आपने 61 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सी जो है उसमें क्या कहा गया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट स्टेप में दो पार्ट्स करने हैं, टू स्टेप्स करने हैं। वो क्या है कि आपने 5 को मल्टीप्लाई 8 के साथ भी करना है और 9 को मल्टीप्लाई 6 के साथ भी करना है। सो क्या आ जाएगा, 5 8 जा 40 प्लस का साइन, 9 6 जा 54। सो स्टूडेंट्स आपने 40 और 54 को ऐड किया, क्या आंसर आ गया आपके पास, 4 एंड 9 94। सो द आंसर इज 94। अब 94 को आप फाइंड आउट करके उसको सिलेक्ट करें, ये आपका 94 है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पार्ट डी जो है उसमें क्या कहा गया है, 20 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 9 माइनस 6 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 2। सो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने क्या करना है कि 20 एज इट इज आ गया, डिवाइड का साइन, उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में आपको दो ऑपरेशन दिए गए हैं, तो आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑपरेशन करना है। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम पहले क्या करते हैं, एडिशन। सो आपने 7 प्लस 9 किया तो 16 आ गया, माइनस 6 आपने इसी तरह लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आपकी ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगी आपने नेक्स्ट कोई डिजिट सॉल्व नहीं करना। 16 माइनस 6 आपको क्या आंसर देगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं डिवीजन हो रही है, तो आप डिवीजन करेंगे तो आपके पास 10 कितने सा 20 होता है, 10 2 जा 20 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4। सो द आंसर इज 4। अब आपने क्या करना है, 4 को सिलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज पार्ट ई इज 8 मल्टीप्लाई 42 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 7। सो स्टूडेंट्स आप यहां देख सकते हैं कि आपने 42 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 336। माइनस का साइन, 7 के टेबल में 28 कब आता है, 7 4 जा 28। सो 336 में से आपने माइनस कर दिया 4 को, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 332। सो आपने 332 को सिलेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1D। यूजिंग द डीमैस रूल सॉल्व दीज। अब आपने किस रूल के अकॉर्डिंगली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डीमैस रूल, जिसमें डिवीजन फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन सेकंड, एडिशन थर्ड एंड सब्ट्रैक्शन लास्ट होगी। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का पार्ट ए और पार्ट एच मैं आपको करवाऊंगी, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स द पार्ट ए इज 8 + 4 - 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, मींस 8 + 4 - 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इज इक्वल्स टू का साइन सबसे पहले पुट करना है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन है आपके पास, जिसमें आप एडिशन पहले करते हैं, तो एडिशन करेंगे, 8 + 4 = 12, माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, 12 माइनस 3 आपके पास क्या आंसर देंगे, 9। सो स्टूडेंट्स एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि इन क्वेश्चंस में इज इक्वल्स टू के साइन आपने लाजमी पुट करने हैं, जिस तरह से आपको बताया गया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट एच, 16 + 8 / 2। अगेन सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन पहले करते हैं, तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4, 2 4 जा 8, सो 4 लिख दिया। अब 16 + 4 किया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 20। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, 12 + 6 / 3। अगेन सॉल्यूशन की हेडिंग दी, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, इसके बाद इज इक्वल्स टू, देन फर्स्ट डिवीजन, 12, 2
टू के थ्री के टेबल में सिक्स कब आता है, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो टू पुट किया, ट्वेल्व को टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो आके आंसर आ गया 24. नाउ कम टू पार्ट एच, 17 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई टू. सो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे 17 प्लस 5 मल्टीप्लाई 20. उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 17 प्लस 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 आंसर आ गया. अब आपने 17 और 100 को प्लस किया तो आपके पास 117 आंसर आ गया. सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को कंप्लीट करना है. नीट एंड क्लीन रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर पर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का वीक 3 भी कंप्लीट हो चुका है और अब आपका नेक्स्ट मंडे को मींस 24th ऑफ अगस्त टेस्ट T3 होगा, जिसमें वीक 3 इंक्लूड होगा. मींस वीक 3 में आपने जितने टॉपिक्स की रिवीजन की होगी वो तमाम टॉपिक्स आपके टेस्ट T3 में इंक्लूड होंगे.